हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज फिर हम लोग ऊपर आए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश नहीं है, धूप नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुला है और हरा भरा है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये शेड की आवाज़ है जो उत्कर्ष के चाचू ने लगाई है ना, वो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारे पक्षी हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। कैसा लग रहा है बताओ? बहुत ही अच्छा। और सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि सावन का जो महीना होता है, बारिश के साथ जो हरियाली रखती है ना आसपास, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे कोई कोई त्यौहार रहते हैं तो और मज़ा आता है। मेरी दुकान में भी अच्छी खासी जो है भीड़ हो रही है, बहुत तरह तरह के सामान उत्कर्ष के चाचू ला रहे हैं। इस बार तो रक्षाबंधन के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं, तो उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। अच्छा लग रहा है नया नया सामान देख के, और त्यौहार का उत्साह पता चल रहा है लोगों में। उसमें से कुछ सामान मैंने भी झटक लिया, मतलब मुझे मम्मी जी ने ऑफर किया कि कुछ ले लो। बहुत सारी बैंगल्स आई थी, बहुत सुंदर सुंदर आई थी, तो मैंने भी एक दो सेट ले लिया। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ भर भर के हाथ, क्योंकि काम वगैरह करना होता है या उत्कर्ष को चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी उनका बहुत मन था तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे कड़े डालिए। इसका पूरा सेट है, बहुत सुंदर सेट है, तो बस सावन में सजूंगी संवरूंगी। जब से कोरोना का कहर हुआ है ना, लोगों ने जगह जगह गिलोय लगा लिए। हम लोगों ने भी लगाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका गिलोय मम्मा को मालूम है। अरे हटो तो सामने से, तो हटो। ये देखो वही वाला फूल है ना जो पापा लाए थे उस दिन ढेर सारे। कितना क्यूट लग रहा है ना चिको, वाइट ड्रेस से मैच कर रहा है, मम्मा की ड्रेस से मैच कर रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ। लेकिन बेटा ये दीवार में ना, ये बारिश के बाद पुताई करवानी होगी। आज हम लोगों के कॉलोनी में वो होते हैं ना, मांगने आते हैं, खसुआ यहाँ पे बोलते हैं उनको। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जब आते हैं आपके यहाँ तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे अपने से आते हैं तो मुझे कभी किसी ने बताया था या मैंने कहीं सुना था कि जब वो लोग कभी भी आए आपकी शॉप पे या आपके घर में, तो उनको जो देते हैं आप वो तो आप दीजिएगा, लेकिन उनसे एक सिक्का ज़रूर ले लीजिएगा। उससे बहुत बरकत होती है, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो मैंने पीछे से आके इन लोगों को बोला कि ले लीजिए उनसे। और उसके बाद जब वो चले गए तो मुझे पता चला कि भैया आजकल तो नॉर्मल लोग भी उनके समाज में उन्हीं के जैसा रूप रख के और ये इसको व्यवसाय बना लिया है। लोगों के यहाँ जा जा के दुकानों में या घरों में मांगना, लड़के लोग साड़ियाँ पहन लेते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, और इस पे से कई बार दंगे भी हो चुके हैं। मैंने कहा भगवान जाने मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो सही सही है कि नहीं है, अब कौन पूछेगा कौन जानेगा। हर जगह धांधली है, हर जगह मिलावट है, और हर जगह जो है करप्शन है। लोग जो है बेरोज़गार हैं, जैसे ही अपना रोज़गार बना लिया कि चलो साड़ी पहनते हैं, ढोलक लटकाते हैं और चलते हैं। सो दोस्तों, हम लोग नीचे आ गए क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मुझे ठंडी हवा से थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर नहीं रह सकती हूँ, मुझे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। मुझे ये इसमें दर्द उभड़ा हुआ है, अभी ये मौसम जो बदला ना, इसमें दर्द वापस से चालू हो गया है। तो मैं ध्यान रखती हूँ, रात में भी सोते समय इसको लपेट लेती हूँ। पंखा वंखा तो बंद है, अभी इतनी ठंडी ठंडी लग रही है। तो अब मैं चलती हूँ अपनी रसोई में, मेरा रसोई में जाने का समय हो गया है, और कुछ बनाकर कुछ ट्राई करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है, थोड़ा देसी घी ले लिया है, ये भुनी हुई पिसी हुई मूंगफली है दोस्तों, और ये उतनी ही मात्रा में बराबर में मैंने ओट्स ले लिए हैं, उसी कटोरी की मात्रा में मैंने चीनी ले ली है, ये खाने वाला कलर है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम ले लिए हैं दोस्तों, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओट्स को पीस कर तैयार कर लेते हैं मिक्सर में। इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है दोस्तों। दोस्तों एक पैन गरम कर लेते हैं, और इस पैन में हम अपने पिसे हुए ओट्स को हल्का हल्का भून लेंगे ताकि उनका कच्चापन खत्म हो जाए। आप धीमी आंच पर इसे भूनिएगा। थोड़ा भून जाने पर हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। दोस्तों जब ये भून जाए तब आप इसमें जो है मूंगफली ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है, और गर्म पैन पर ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक ये थोड़ा ठंडा होगा, हम चाशनी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एक अलग कढ़ाई में हम जो है चीनी की चाशनी तैयार कर लेते हैं। पानी में हम चीनी को ऐड कर देते हैं। पहले हम चीनी के घुलने का इंतजार करेंगे, लगातार हम इसे चलाते रहेंगे दोस्तों, हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे, वरना बहुत टाइट बर्फी बनेगी। अच्छी तरह से चीनी घुल जाए और लगभग एक तार की चाशनी बनने जैसी वो दिखने लगनी चाहिए, आप उसे उंगली पर रखकर चेक कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे दोस्तों। चीनी अच्छी तरह घुल जाने पर और उसमें उबाल आने पर मैं इसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर ऐड कर दूंगी, इससे हमारी बर्फी सुंदर दिखेगी दोस्तों। अच्छी तरह से कलर को घोल कर फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी और थोड़ी सी चाशनी के ठंडे होने का इंतजार करूंगी ताकि जब हम इसमें ओट्स डालेंगे तो अच्छी तरह से ओट्स सोख लेंगे। चलिए अब हम दोनों को मिक्स करते हैं।
देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इस एक थाली को ग्रीस करके या प्लेट को ग्रीस करके उसमें इसे पलट लेते हैं और अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि बर्फी का शेप आ जाए। और यहाँ पर मैं कटे हुए काजू इन पर सजा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे अपने मनपसंद के शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर की कतली भी इसके ऊपर सजा सकते हैं दोस्तों, खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। दोस्तों ठंडा होने पर मैंने इसे लिटिल हार्ट शेप में कट कर लिया है। आप लोग इसे अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हैं दोस्तों। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और हेल्दी है। ओट्स बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। इसे बनाने में मुझे पूरे पूरे 15 मिनट लग गए हैं दोस्तों। 15 मिनट में ये हेल्दी बर्फी बनकर तैयार। दोस्तों आज मैंने ट्राई की थी ओट्स की बर्फी और ये मैं पहले भी कई बार बना चुकी हूँ, अक्सर बना देती हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है और मुझे लगता है कि हेल्दी चीज़ें ही घर में बननी चाहिए। और मैं एक बार फिर से सब चीज़ें बना बना के ट्राई कर रही हूँ क्योंकि हमारे बाऊ जी का बर्थडे आने वाला है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार बना लूँ ताकि मेरी फिर से प्रैक्टिस हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब किसी खास ओकेज़न पे चीज़ें बनाती हूँ, चाहे वो केक ही क्यों ना हो, वो मेरा कुछ ना कुछ उसमें पंगा हो जाता है। रात हो गई है दोस्तों, लेकिन ये फेरी वाले अभी भी माइक लगा लगा के अपना सामान बेच रहे हैं। सब्जी वाला इतनी रात में आया है। खैर मैं ये बोल रही थी कि अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि छोटा ब्लॉग बने, शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे लोग बोर भी ना हो, मुझे भी बोरियत ना हो। तो मैं अब आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूंगी और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। उससे मेरा उत्साह दुगना होता जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नई नई रेसिपी, नई नई बातें अपने ब्लॉग में लेकर आऊँ। कहीं ज़्यादा जाना आना तो हो नहीं पाता, नहीं तो घुमाने भी ले चलती आप लोगों को। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।